हाय एवरीवन, मेरा नाम है देव टैनगोरी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्वेन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत लिमिटेड इसमें क्वेश्चंस हैं। सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एक्सप्लेन। सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स। फिजिकल एक्टिविटीज़ जब स्पेशल चिल्ड्रेंस को भी हम दे पाते हैं तो हम उनकी फिजिकल बेनिफिट्स दे पाते हैं, जैसे कि हमारे जो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हैं वो उनके डेवलप होते हैं, उनका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हेल्दी हो जाता है, उनकी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उससे वो फाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है, उनकी जो ओवरऑल फिजिक है वो इम्प्रूव होती है। मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड फन। जब हम स्पेशल किड्स को भी ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट कराते हैं तो उनके लिए वो एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है इंजॉय करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और ओवरऑल हमारे स्पोर्ट्स का एक पार्ट बनने के लिए, उसको इंजॉय करने के लिए। थर्ड, इम्प्रूव्ड इमोशनल हेल्थ। ये बहुत साइंटिफिक बात है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हो तो आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, डिप्रेशन से फाइट करने में हेल्प मिलती है, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, ओवरऑल मेंटल इम्प्रूवमेंट होता है। सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ अवेयरनेस है वो भी स्पोर्ट्स प्लेइंग पर्सन का ज़्यादा अच्छा होता है बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल से, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। ADHD से जो सफरिंग बच्चे हैं जिनमें हमें हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, उनको अगर हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं तो जो उनकी एक्सेस एनर्जी है वो स्पोर्ट्स में जा रही होती है, एक पॉजिटिव चीज़ में जा रही होती है, तो उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने में इससे हेल्प मिलती है। फिर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हो गई, वो सारी जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनमें हमें बेटरमेंट देखने को मिलता है, ये प्रॉब्लम्स हमारी साइड होने लगती है। तो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा स्पोर्ट एक्टिविटीज़। फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि ये बच्चे भी इंक्लूड उसमें हो सके, इनको भी उसमें पार्टिसिपेशन मिले, तो उनकी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होने लगेगी, उनमें हमें बिहेवियरल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, उनका टीम स्पिरिट डेवलप हो रही होगी, कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम बढ़ रहा होगा, उनमें हमें कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, ओवरऑल जो उनका बिहेवियर है सोसाइटी में वो बेटर हो रहा होगा। और जब इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे तो उनकी इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, वो फिजिकली फिट रहेंगे, इमोशनली फिट रहेंगे, उनके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे होंगे, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वो खुद पर डिपेंडेंट होने लगेंगे, उनको फ्रीडम मिलेगी अपनी डिपेंडेंस से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए कि भाई क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम इनके साथ डील करेंगे। फिर उनके इंटरेस्ट को देखा जाए कि किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट आ रहा है, किस फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें वो नहीं परफॉर्म कर सकते। फिर उसके हिसाब से उनको इक्विपमेंट्स दिए जाए जो भी उनको खेलने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरत है। फिर स्पेशल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे उनके हिसाब से चीज़ों को रखा गया है, उनकी सेफ्टी के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सूटेबल एनवायरनमेंट उनको दें। फिर यूज़ वेराइड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। हो सकता है किसी बच्चों को विजुअल्स की ज़रूरत हो, किसी बच्चे को साइन लैंग्वेज की ज़रूरत हो उससे आप उसको सिखाइए, किसी को वर्बल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, किसी के साथ आप पीयर टीचिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप है आपके पास, उनमें से कुछ स्पेशल किड्स को आपने सिखा दिया, वो बाकी बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि बाकी बच्चे उसमें अच्छे से इन्वॉल्व रहें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो ये अलग अलग मेथड ऑफ लर्निंग है जो कि आपको उन बच्चों के स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना पड़ेगा उनके हिसाब से। मॉडिफाइड रूल्स, उनके हिसाब से आपको रूल्स को मॉडिफाई करना है। गेम्स में आप अलग अलग रूल्स चेंज कर सकते हैं, मे बी आप रेस्टिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं, मे बी आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इस टाइप से जो हमारे रूल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। और फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर बच्चे का इस स्पोर्ट्स से या फिर इस फिजिकल एक्टिविटी के साथ प्रीवियसली कैसा नाता रहा है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कंसिडर करिए, कोई चीज़ उसको अच्छी लगती है तो उसको आप कंसिडर करिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी में हमारा जो आंसर राइटिंग का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि क्विकली इंप्लीमेंट इसको आप कर सकते हो, यानी कि 1.5 घंटे का कोर्स आज आपने देखा, कल के पेपर में आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो ये मस्ट है हर एक ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे के लिए, हमारे हर एक ह्यूमैनिटीज़ के पेपर में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड भी यूज़ कीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट इसका मिल जाएगा। प्राइस सिर्फ 149 है, फ्यूचर में ये चेंज हो सकती है लेकिन अभी के लिए इतनी है, तो इसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। एंड इसको आप परचेज करेंगे, आंसर राइटिंग की सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो चुकी होगी। पी में भी हेल्प करेगा, ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। एक्सप्लेन द 3 ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला जाए, इसके बारे में आप लिखिए, तो इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मोटो, सिंबल और ओथ आपको पता होना चाहिए।
एक एक करके इन तीनों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रन एडल्ट दोनों के लिए जो इंटेलेक्चुअल या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं। इसको 1968 में फाउंड किया था यूनेस कैनेडी शेवन ने। ये कैनेडी फैमिली की थी लेकिन इनको अब जे एफ कैनेडी जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उनसे कंफ्यूज मत करिएगा, ये उनकी फैमिली से थी। स्पेशल ओलंपिक्स को इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी भी रिकॉग्नाइज करती है। ये हर 4 साल में होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हर 4 साल से मतलब है यहाँ पे समर एडिशन हर 4 साल में होता है और विंटर एडिशन हर 4 साल में होता है। यानी कि समर होगा, उसके बाद 2 साल बाद विंटर होगा, फिर 2 साल बाद समर होगा, फिर 2 साल बाद विंटर होगा। तो समर समर के बीच में 4 साल का गैप और विंटर विंटर के बीच में 4 साल का गैप, इन दोनों के बीच में 2 साल का गैप। इसके बाद स्पेशल ओलंपिक जो वर्ल्ड गेम्स सबसे पहले हुए थे 1968 में शिकागो यूएसए में। उसके बाद जो हमारा इसमें टॉर्च जलाया जाता है ओलंपिक्स की जैसे, उसका नाम होता है द फ्लेम ऑफ होप, जो कि एक सिंबल है इसकी स्पिरिट और इसके मिशन का। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, जिमनास्टिक्स हो गया, और भी इसके अलावा काफ़ी स्पोर्ट यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। एथलीट ओथ, जो कि एक एथलीट बाकी एथलीट के बिहाफ में लेता है, ये है यहाँ का लेट मी विन, बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इनफ इन द अटेम्प्ट, ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ये हमारे सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे अटेम्प्ट को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसका सिंबल और लोगो आप यहाँ पे टॉप राइट में देख सकते हैं। इसमें आप एक ग्लोब देख सकते हैं जो कि लोगो से बना हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि पूरा ग्लोबल पार्टिसिपेशन ये लोग इसमें चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हर एक पर्सन के 3 आर्म्स देखने को मिल रहे हैं। जो सबसे लोअर आर्म है ये हमारे पास्ट को रिकॉल करने के लिए कि पास्ट में कैसे जो डिसेबिलिटीज थी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इन पे फोकस नहीं किया जाता था, इनके इनसे रिलेटेड अनअवेयरनेस थी, इनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। जो स्ट्रेट आर्म्स है वो इक्वालिटी और इसकी कैसे रीच जो बढ़ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो रेज्ड आर्म्स है सबसे टॉप में, वो जॉय और कंटिन्यूड जो प्रोग्रेस हो रही है इनके गोल्स की तरफ उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले एम्स इसका है कि सबको ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कंपटीशन मिले, जितने भी इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबल्ड पीपल हैं उनको, चाहे चिल्ड्रन हो चाहे एडल्ट हो, सबको ये लोग इंक्लूड करना चाहते हैं। इसके अलावा इन लोगों की, इन एथलीट्स की फिजिकल फिटनेस और करेज इनमें ऐड करना चाहते हैं, इनकी लाइफ में जॉय ऐड करना चाहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि ये लोग भी अपनी जो फैमिलीज हैं, अपना जो पूरी एथलेटिक कम्युनिटी है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसके साथ इंक्लूड रहें, उनके साथ गिफ्ट शेयर करें, स्किल्स शेयर करें, फ्रेंडशिप शेयर करें और ओवरऑल पार्टिसिपेट करें इन स्पोर्ट्स में। अब इसके बाद आता है हमारा पैरालंपिक्स। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि एथलीट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए कराया जाता है। ये भी हमारे समर और विंटर एडिशन में कराया जाता है। और पैरालंपिक्स के जो समर और विंटर गेम्स हैं वो जस्ट हमारे ओलंपिक के समर और विंटर गेम्स के बाद कराए जाते हैं हर 4 साल में। वैसे ही जैसे मैंने पहले के लिए बताया, यहाँ पे भी जो विंटर गेम्स है वो हर 4 साल में होते हैं, समर गेम्स हैं वो हर 4 साल में होते हैं। 1948 में एक छोटी सी गैदरिंग थी, आज की डेट में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये बन चुकी है। ये स्ट्राइव करता है इक्वल ट्रीटमेंट के लिए और ओलंपिक्स की तरह एक पैरालंपिक को भी बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन आज की डेट में जो इसकी फंडिंग है वो ओलंपिक से काफ़ी ज़्यादा कम है। जो इसकी फेम है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये ग्रो कर रहा है। जो पैरालंपिक्स है इसको ओलंपिक्स की तरह ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको गवर्न करती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसमें हमें पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, ब्लाइंड फुटबॉल, ऐसे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एथलीट ओथ है ये इसकी, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें एक एथलीट सबके बिहाफ में ओथ लेता है कि हम जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे, सारे रूल्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम डोपिंग नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का ड्रग यूजेज हम नहीं करेंगे, किसी भी इलीगल काम को नहीं करेंगे, सबको हम ऑनर करेंगे और ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलेंगे। इसका जो मोटो 1994 में रखा गया था माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, इसको 2004 में स्पिरिट इन मोशन से चेंज कर दिया गया। इसका जो सिंबल है वो आप टॉप राइट में देख सकते हैं, 3 अजीटोज हैं जो सिम्बलाइज कर रहे हैं मोशन को। ये फोकस करता है कैसे हमने अलग अलग एथलीट्स को पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों से एक साथ लेके आया है, उनको यूनाइट किया है और उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, स्पोर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना, कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट करना। ये लोग सेल्फ गवर्नेंस पर फोकस करते हैं, ये एथिकल जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी अपहोल्ड करते हैं और अपने जो एथलीट्स हैं उनकी जो हेल्थ रिस्क है उनको भी मैनेज करने का काम करते हैं। इसके बाद आखिरी हमारा आता है द डेफ ओलंपिक्स,
ये भी एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है हमारे डेफ एथलीट्स के लिए। इसको इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ICSD ऑर्गेनाइज कराता है। यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं वो तो या तो कम्प्लीटली डेफ होते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा सुनने में हियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। इनमें से किसी भी एथलीट को आप गाइड नहीं कर सकते साउंड के थ्रू, चाहे वो कोच हो चाहे कोई भी हो, साउंड का आप यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते उनको गाइड करने के लिए। इसको 1924 के बाद से हर 4 साल में कराया जा रहा है। इसमें भी विंटर और समर एडिशन हमें देखने को मिल जाते हैं। इसको पहले इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ बुलाया जाता था या फिर डेफ द वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ भी इसको बुलाया जाता था। इसमें हमें बोलिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, हैंडबॉल एक्सेट्रा गेम्स देखने को मिल जाते हैं। ये है इसकी एथलीट ओथ। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओथ में चेंज एक ये है कि यहाँ पे जो एथलीट है वो उसको जेस्चर करता है और बोलता नहीं है। फिर मोटो पे लूडोस एक्वेलिटस, जिसका मीनिंग होता है इक्वेलिटी थ्रू स्पोर्ट। यहाँ पे मोटो से ये लोग चाहते हैं कि हमारे जो डेफ ओलंपिक्स है उसकी स्पिरिट को चैलेंज किया जाए, जितने भी हमारे डेफ एथलीट्स हैं उनको टॉप लेवल कंपटीशन तक पहुँचाया जाए, और ओलंपिक्स के आइडियल्स को ही लोग फॉलो कर रहे होते हैं, अपने डेफ ओलंपिक में भी अप्लाई करते हैं। फिर जो हमारा इसका सिंबल है उसको आप टॉप राइट में देख सकते हैं। ये अलग अलग एलिमेंट को सिग्निफाई करता है। साइन लैंग्वेज हो गया, डेफ एंड इंटरनेशनल कल्चर्स हो गया, यूनिटी और कंटिन्यूटी हो गया, ये सब इसमें एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली अलग अलग हैंड शेप्स को दिखाया जा रहा है। हैंड शेप्स फॉर ओके, गुड एंड ग्रेट, जो कि एक सर्कल में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये हमारे डेफ ओलंपिक्स का सिंबल बनाता है। इस सिंबल में जो हैंड शेप्स हैं वो यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग चाहते हैं हमारे डेफ एथलीट्स के लिए। फिर इनको डेफ एथलीट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना एक दूसरा एम है। फिर इन एथलीट्स को एक साथ लेके आना, इन सबको यूनाइट करना, उनको टॉप लेवल कंपटीशन देना, ये हमारे बाकी एम्स हैं। तो एम्स हो गया हमारा, जो मोटो हो गया हमारा, जो एथलीट ओथ हो गया, बहुत सिमिलर आपको देखने को मिला है। तो एक बार आप अच्छे से तीनों को पढ़ लेंगे तो आप तीनों के आराम से लिख पाएंगे। एक और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा ICSD है इसको प्रमोट करना और जितने भी वर्ल्ड एथलीट्स हैं उन सबको बेटर अपॉर्चुनिटीज देना, बेटर हमारा कम्युनिटी क्रिएट करना डेफ पीपल की। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेफ ओलंपिक होता है या डेफ ओलंपिक होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डेफ ओलंपिक ही होता है, पैरालंपिक ही होता है, यही आप लिख के आइएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।